लोग तो कोई इस तरह की हवा जो बुजुर्ग कलर नहीं ना होती एक बार जाती मैंने बहुत पढ़ लिया ना उसे बाबा तेरी सोच पे फहरा देंगे ठोक के बाबा तेरी सोच पे फहरा देंगे ठोक के 5 नवंबर को क्या है संविधान बचाओ रैली है 5 नवंबर को क्या है संविधान बचाओ रैली है। आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको दुनिया भर में महामानव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हर क्षेत्र में काम जो है वो बहुत इस प्रकार से किया है कि जो कोई भी आदमी विश्व का नहीं कर सकता था। और उसके साथ उन्होंने उस विचारधारा को, उस धर्म का त्याग किया जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव और जुल्म सितम का वहां पर होते थे, तो उसको त्याग करके हजारों जातियों को इकट्ठा करके एक लड़ी में परोया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, जो कि विश्व भर में शांति का प्रतीक है। आज ही के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और जिसकी बदौलत आज तक मुल्क की तामीर और तरक्की का काम हुआ, उन्होंने हिंदुज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, एम्ब्रेस किया, क्योंकि इस हिंदुज्म में बहुत सी जो कमियां थी और डिस्पेरिटी थी, उससे उन्होंने उसको त्याग दिया और बुद्धिज्म को इख्तियार किया। इसलिए आज हम उन्हीं की सोच को, मेमोरीज को याद करते हुए आज हम भारतीय कानून की हिफाजत के लिए यहाँ आल बाग साहब पीपल खड़े हुए हैं, ये असेंबल हुए हैं और इस सोच पर हम पूरा पहरा देंगे। थैंक यू। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप को कन्वर्ट किया था, और कन्वर्शन क्या थी कि सोच को बदलना, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा को छोड़ो जिस विचारधारा से हमारा आर्थिक और सामाजिक शोषण होता हो, ऐसी विचारधारा जिससे हमारी होमिलेशन होती हो, जिल्द होती हो, ऐसी विचारधारा को छोड़ा जाए और ऐसी विचारधारा अपनाई जाए जिससे हमारी जिस्मानी, जहनी, रूहानी, अखलाकी जो है वो उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ विचारधारा ऐसी देती है जिससे हमारा जिस्मानी नशोनमा भी रुक जाता है, हमारा दिमागी नशोनमा भी रुक जाता है, हमारी आर्थिक नशोनमा भी रुक जाता है, हमारी पसमानगी आ जाती है। तो ऐसी विचारधारा अपनाओ जिस विचारधारा से हम फले फूलें, तरक्की करें, खुशहाली करें, हमारे जिस्मानी तौर पर अच्छे हों, जहनी तौर पर अच्छे हों, आर्थिक तौर पर अच्छे हों, सामाजिक तौर पर अच्छे हों, ऐसी विचारधारा अपनाई जाए। वो थी उनकी विचारधारा को बदला जाए, तो इसलिए वो विचारधारा को हम आज आप सलाम करते हैं जो बाबा साहब ने हमें विचारधारा दी है, उसी के दिन उसी की वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।